वैसे तो कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर हम लोग काफी सारा वीडियो हम लोग का चैनल में अपलोड कर चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग माउस का शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग सोचोगे माउस का कौन सा शॉर्टकट होता है, माउस में तो ओनली 3 बटन रहता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल बटन। तो मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट बटन के साथ भी माउस का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर है या एक स्टूडेंट है एंड इन कॉम्बिनेशन के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आपका कंप्यूटर सीखना बिल्कुल बेकार है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेकार है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये कॉम्बिनेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने अगर हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस पैराग्राफ में से अगर हम लोग को ये पहला वाला लाइन सिलेक्ट करना है इसको तो हम लोग इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल बटन के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं सिंपली। तो इसको अगर हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग का फुल लाइन सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जहाँ तक लाइन स्टार्ट है वहाँ लेके जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक फुल लाइन सिलेक्ट हो जाता है। तो ये था पहला कॉम्बिनेशन कंट्रोल बटन के साथ। हम लोग अगर इस पैराग्राफ में से किसी पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर माउस से लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करने से हम लोग पार्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग को पैराग्राफ में से पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करना है वर्ड के ऊपर, तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इस फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से ड्रैग करके तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर माउस का लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करवाते हैं तो आपका फुल पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर हम लोग 3 बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं 3 बार लेफ्ट क्लिक करने से बाद ही हम लोग का फुल पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। तो डबल क्लिक करने से वर्ड सिलेक्ट होता है एंड ट्रिपल क्लिक करने से हम लोग का फुल पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। खैर ये तो आप लोग को पता ही है। हम लोग का नेक्स्ट शॉर्टकट आता है ऑल्ट बटन के साथ। अगर हम लोग ऑल्ट बटन के प्रेस करके पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर हम लोग ऑल्ट बटन को छोड़ के अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग का पैराग्राफ में फुल सेंटेंस यानी फुल पैराग्राफ का फुल लाइन सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन पैराग्राफ में से हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग अगर कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करके माउस से ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ का आधा हिस्सा सिलेक्ट कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज इस लाइन को यहाँ से हम लोग को कट करना है एंड यहाँ पे नीचे इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो इसको हम लोग कट एंड पेस्ट तो कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल एक्स प्रेस करके हम लोग इसको कट करेंगे एंड कंट्रोल वी प्रेस करके हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। लेकिन ये तो हो गया हम लोग का कीबोर्ड का शॉर्टकट, इसको हम लोग माउस के जरिए कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फुल लाइन सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके हम लोग यहाँ पे फुल लाइन को सिलेक्ट कर लिए है। इसके बाद क्या करना है, आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे भी अपना माउस का कर्सर को लाना है एंड कंट्रोल बटन को होल्ड प्रेस करके आपको राइट क्लिक करने से देख सकते हैं हम लोग का ऊपर का जो लाइन है वो कट होके नीचे यहाँ पे पेस्ट हो गया है यानी मूव हो गया। तो चलिए इसको फिर से हम लोग इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोज इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करके हम लोग यहाँ नीचे लाना चाहते है, पेस्ट करना चाहते है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम 3 बार क्लिक करेंगे तो हम लोग का पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग कंट्रोल बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंड जहाँ पे भी हम लोग को नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है यहाँ पे हम लोग माउस से राइट क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग का जो ऊपर का पैराग्राफ है वो कट होके नीचे पेस्ट हो गया है। तो ये तो हो गया हम लोग का सिंपल कट और पेस्ट। लेकिन अगर आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है आप तो कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको माउस का यूज करके कॉपी करना है तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए इस लाइन को हम लोग कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फुल लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन को हम लोग सिलेक्ट कर लिए है। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को कंट्रोल बटन को प्रेस करना है एंड माउस से क्लिक करके इस लाइन को ड्रैग करना है इस तरीके से एंड जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे जाके कर्सर को छोड़ देना है। तो देख सकते हैं हम लोग का जो ऊपर का लाइन था वो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल बटन एंड माउस क्लिक का यूज करके कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस पैराग्राफ को यहाँ से हम लोग नीचे यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 क्लिक करके इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए है। इसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे जहाँ पे भी हम लोग को
पेस्ट करना है। वहाँ पे लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो हम लोग का ऊपर का जो पैराग्राफ है वह यहाँ पे नीचे कॉपी हो जा रहा है। तो ये था कंट्रोल बटन के साथ माउस का कुछ कॉम्बिनेशन जिसके यूज करके हम लोग माउस का यूज करके कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने कंट्रोल बटन एंड ऑल बटन के साथ माउस का कॉम्बिनेशन देख लिया है। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट बटन के साथ माउस का कौन सा कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है, मान लीजिए सपोज इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग में हम लोग का माउस का कर्सर रखा हुआ है एंड यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, हम लोग को कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है एंड जहाँ पे जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके फुल पैराग्राफ हम लोग का सिलेक्ट हो गया है। मतलब फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ का स्टार्टिंग में आपको कर्सर रख देना है एंड शिफ्ट बटन को होल्ड करके आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना है उसका लास्ट में आके आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है शिफ्ट बटन को होल्ड करके। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल शिफ्ट बटन के साथ माउस का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का माउस का स्क्रॉल बार का शॉर्टकट। ऐसे ही हम लोग माउस का स्क्रॉल बार का यूज स्क्रॉलिंग करने या नेविगेशन करने के लिए, अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्क्रॉल बटन को अगर प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली स्क्रॉल होते जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग ऊपर स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग माउस का स्क्रॉल बार को प्रेस करेंगे एंड ऊपर की तरफ ड्रैग करने से देख सकते हैं हम लोग का जो माउस का पॉइंटर है वो ऊपर इस तरीके से नेविगेट होते जा रहा है ऑटोमेटिकली। फिर से अगर इसको नीचे लाना है तो नीचे की तरफ ड्रैग करने से, फिर से इसको प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करने से ये नीचे नेविगेट होते जाएगा। तो माउस का स्क्रॉल बटन को प्रेस करके इस तरीके से स्लोली स्लोली ऑटोमेटिकली आप नेविगेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रॉल बटन का और यूज करके हम लोग ब्राउजर को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपका ब्राउजर में किसी टैब को क्लोज करना है तो टैब को क्लोज करने के लिए आपको सिंपली स्क्रॉल बार से टैब के ऊपर एक बार जस्ट क्लिक करने से आपका टैब क्लोज हो गया। फिर से इसको अगर हम लोग इसके ऊपर स्क्रॉल बार से एक बार प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो हम लोग का टैब क्लोज हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी ब्राउजर में लिंक के ऊपर स्क्रॉल बार से एक बार क्लिक करेंगे तो हम लोग का वही सेम लिंक हम लोग का न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल कॉम्बिनेशन, हम लोग स्क्रॉल बार का बटन को प्रेस करके इस तरीके से टैब ओपन एंड टैब क्लोज कर सकते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगर हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन करते हैं तो जूम इन एंड जूम आउट होता है। खैर ये तो आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग हम लोग का चैनल का एक्सेल का पुराना वीडियो देखे है तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है एंड माउस स्क्रॉल बार को आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करने से ये जूम इन होता है एंड कंट्रोल बटन को प्रेस करके स्क्रॉल बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करने से जूम आउट होता है। दैट्स इट, ये सिंपल है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर फिर भी आपका मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।